एक्स प्लस वाई टू दी पावर एन, इसको कैसे ब्रेक करते हैं बाइनोमियल्स थ्योरम के मदद से। तो ध्यान से देखिए बाइनोमियल्स थ्योरम क्या कहता है, एन सी जीरो। अब एन सी जीरो क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पीछे फल्ला क्यों हो रहा है, एक्स टू दी पावर एन ठीक है प्लस यहां पर क्या होता है एन सी वन, इस तरह से सीरीज बढ़ता चला जाता है। यहाँ पर आपका एक्स एन माइनस वन और यहाँ पर वाई ऐड होगा। अगेन एन सी टू और एक्स टू दी पावर एन माइनस टू एंड वाई स्क्वायर हो जाता है। यानी कि हमेशा ये दोनों जो टर्म दिख रहा है ना, एक्स का पावर और वाई का पावर दोनों मिलने के बाद ये क्या होना चाहिए, एन ही होना चाहिए एवरी टर्म में। फिर अगेन आपको इसी तरह से डॉट 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 लास्ट में क्या होगा एन सी एन। ये देखो ये स्टार्ट हो रहा है जीरो वन टू इस तरह से जाएगा और लास्ट में ये एक्स का पावर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा और वाई का पावर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। इसको हम लोग बाइनोमियल थ्योरम के मदद से हम लोग किसी का भी हम लोग निकाल सकते हैं। आपने हमने वो स्टडी किया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, अगर हमारे पास फाइव सिक्स सिक्स एट नाइन कुछ भी रहे तो आप इस टर्म से मदद से निकाल सकते हैं। ये एंटर में आप लोग हाँ, अब मैं बता रहा हूँ कि एन सी जीरो क्या है भाई, ये सब चीजों को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। पीछे में क्यों हल्ला कर रहे हैं आप लोग, आगे क्यों बढ़ेगा एन सी पी सर। कुछ क्या करने, कुछ वर्क था क्या, इतने लेट से आ रहे हो? नो, व्हाट इज एन सी जीरो, ये सब एन सी जीरो क्या है, कैसे निकालते हैं, एनसीआर क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एनसीआर क्या होता है। एनसीआर ठीक है, ये होता है फैक्टोरियल एन, ये होता है आर इंटू एन माइनस आर। ध्यान से देखेंगे या इसी चीज को, इसको लोग फैक्टोरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? फैक्टोरियल बोलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको बोलेंगे आप फैक्टोरियल। फैक्टोरियल फॉर्मेटेशन कॉम्बिनेशन, या इसको आप दूसरे तरीके से भी लिखते हैं, इसको अब बुकीज फॉर्मेट में देखोगे तो ये मिलेगा। क्या पढ़ते हैं इसको, फैक्टोरियल पढ़ते हैं, एल नहीं पढ़ते हैं बाबा, उसको फैक्टोरियल पढ़ते हैं। ये आप जो ये सैंपल दिए हुए ना, ये इसी को हमने लिखा है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं या तो आप ऐसे लिख सकते हो, अगर बुक में देखोगे तो आपको ऐसे मिलेगा, दोनों ही सैंपल चलता है। सर इसको फ्रैक्शनल कहते हैं, एनसीआर इसको पढ़ते हैं, एनसीआर ठीक है, कॉम्बिनेशन में पढ़ना है इसको किसी चीज को, तो इसको लिखेंगे फैक्टोरियल, एन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल आर इनटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। सर आंसर आ गया, और इसमें भाई नाम है इसका और क्या, ये फॉर्मेट क्या है कि भाई स्टार्ट करेगा एन सी जीरो, एक्स टू दी पावर एन यानी कि इस पे पावर एन चढ़ेगा और वाई में कुछ नहीं रहेगा। फिर अगला में क्या होगा, इसमें एन सी वन और एन जो है एक्स का पावर क्या होगा,
कम देगा, एक कमेगा फिर वाई उस पर आ जाएगा, वाई का पावर वन, इन दोनों को ऐड करोगे तो हमेशा एन ही रहेगा एवरी टर्म में। फिर एन सी टू एक्स टू दी पावर एन माइनस टू वाई स्क्वायर होगा, उसी तरह से एन सी थ्री एक्स टू दी पावर एन माइनस थ्री वाई क्यूब होगा। ये कहां तक जाएगा शॉन? एक्स एन सी एन वाई टू दी पावर एन। डोंट यूज मोबाइल इन ए क्लास। क्या हुआ, पीछे क्यों हल्ला हो रहा है? ठीक है, अब देखो अगर हमने बोला कि फैक्टोरियल 5 निकालना है तो ये निकलता है कैसे? जैसे फैक्टोरियल 5 तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है, तो इसको आप करें कितना आएगा, मल्टीप्लाई करो 1.20। अच्छा फैक्टोरियल में क्या होता है, जैसे फैक्टोरियल 5 है इसको आप जहां चाहे स्टॉप कर सकते हैं, जैसे फैक्टोरियल 5 इंटू 4 और ये 3 होना चाहिए तो फैक्टोरियल 3 ऐसे लिख दे सकते हैं, छोड़ सकते हैं, ये जहां चाहे इसको स्टॉप कर सकते हो। जैसे मैंने बोला फैक्टोरियल 6 बताओ तो क्या होगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 सॉल्व करें कितना होगा, ठीक है 720। हाँ आप ऐसा चाहते हैं कि इसको हमें स्टॉप करना चाहें तो आप 6 इंटू फैक्टोरियल 5 लिख सकते हो, अब जहां चाहे इसको स्टॉप कर सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है ऐसे आएगा। पीछे वाले स्लाइड्स नोट कर लीजिए, आ रहे सर। इससे पहले वाला, इसके पहले क्या कुछ नहीं था, इसके बाद वाला, इसके बाद बोल लो ना जब बाहर से अच्छी है। ठीक है स्लाइड्स नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट में है कि अगर जैसे फैक्टोरियल 5 लिखना है तो आपको ऐसे लिख सकते हैं, लेट से आओगे तो क्या होगा, लेट से आओगे तो कैसे नोट आ रहे आ रहे। ये नोट हो गया, क्या बोल रहे हैं 720, इसको करो मल्टीप्लाई करो, 720 नहीं आएगा, इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ देखिए अगर मैं बात करूं या आप बताओ 5C1 कैसे ब्रेक करोगे, 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 1 और ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 का फैक्टोर, वी कैन रिटेन एज फैक्टोरियल 5। ये 5C1 है, इसमें क्या समझना है, 5 को यहाँ पर 5 लिखो, 1 को यहाँ 1 लिखा गया और 5 में से एक घटा करके लिखा हुआ है, सिंपल सा तो बात है। सी कहाँ गया सर, सी उसको पढ़ते हैं 5C1 कॉम्बिनेशन का ये पार्ट है, बट आपको ये बाइनोमियल्स थ्योरम में हम लोग कर रहे हैं। तो ये फैक्टोरियल 5, ये फैक्टोरियल 1 होगा और ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 4 होगा। अब देखो 5 है तो इसको आप लिख सकते हो 5 इंटू फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं, और फैक्टोरियल 1 है तो 1 ही रहेगा और इंटू फैक्टोरियल 4 तो ये कैंसिल हो जाएगा तो बचा कितना 5, ये 5 आएगा। ठीक है, अगर हमने बोला आपसे
कि 5c4 का फैक्टोरियल बताओ कितना होगा। तोड़ो इसको, ब्रेक करो। आईपी होगा सर, इसको करो सॉल्व। सबसे पहले क्या आएगा, ये 5 आएगा, आईपेन सर आएगा सर। फिर क्या होगा, 4 का फैक्टोरियल होगा। फिर क्या होगा, 5 माइनस 4 का फैक्टोरियल होगा, दैट मीन्स फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 4, 1। फिर से देखो ऊपर वाला ही चीज आ गया, क्या हो जाएगा, ये भी 5 ही होगा। सही बोले थे ना सर। कैसे निकालेंगे? होगा सब एक ही हो जाएगा, आंसर दो आएगा सर। फैक्टोरियल 6 लिखेंगे, फैक्टोरियल 2 लिखेंगे, फैक्टोरियल 6 माइनस क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 4, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 2, और ये क्या होगा, फैक्टोरियल 4। सिक्स को क्या लिख सकते हो आप, 6 इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4 पर स्टॉप कर दीजिए, कि कोई नीचे में भी फैक्टोरियल 4 है वो कट जाएगा आपको। 2 इंटू 1 लिख सकते हैं आप फैक्टोरियल 2 को, और फैक्टोरियल 4 आने दो आप, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये हो गया कितना, 15। सर 5 कहाँ से आया, 5 कहाँ से आया, हाँ हमने बताया ना, 6 को लिख सकते हो ना, फैक्टोरियल 6 को क्या लिख सकते हो, 6 into 5 into 4 into 3, 2, ऐसे करके लिख सकते हैं ना। मतलब सर वहां पे सर अगर सर वहां पर अगर मान लीजिए 6 की जगह 8 रहेगा तो हम 5 लिख सकते हैं, 8 into जहाँ पे 6 लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, वहाँ पर अगर 8 रहेगा तो अगर फैक्टोरियल फैक्टोरियल को 5 ही बोलते हैं ना, फैक्टोरियल को आप जो बोले ना कि 6 गुना 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई वो घटता रहता है, 8 है तो 7 होगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू एक पीछे होगा, कम ही का वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपके पास लिखेंगे। ओके सर आगे दीजिए ना, पीछे में क्या बात हो रही है, बाहर कर देंगे ठीक है ना, फिर मत बोलिएगा। देखो क्या सिंपल सा कुछ लिखा हुआ है, यहाँ देखिए 5c1 लिखा हुआ है, अगर c कोई सैम्पलिंग फॉर्मेट होगा, मान के चलिए मैथमेटिक्स सैम्पलिंग बहुत सारे चीजें होती है, तो 5 क्या लिखा हुआ है, ऊपर में लिखा होगा उसमें एक ऐसा लगा दिया, इसका नाम फैक्टोरियल, ठीक है, इसको हम लोग फैक्टोरियल बोलते हैं, डिवाइडेड 1 को भी फैक्टोरियल लिखे, और ये 5 में से 1 को घटा करके फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करें, फैक्टोरियल 5 तो 5 ही है, 1 तो 1 ही है, 5 में से 1 होगा तो 4, एक बच्चा भी बता देगा फैक्टोरियल 4। अब हमने बोला कि फैक्टोरियल 5 और उसको आपको पिछले स्लाइड्स में हमने आपको दिखाया है कि फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, और जहां इच्छा हो आप उसको क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, तो 5 इंटू फैक्टोरियल 4 इसलिए कि नीचे में फैक्टोरियल 4 दिख रहा है वो उसको कैंसिल करेगा, आप चाहें तो इसको 5 4 3 2 ऐसे करके लिख सकते हैं, नीचे में भी आपको 4 3 2 1 करके लिखना होगा, वैसे भी आप कर सकते हो, 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो गया, बचा कितना 5। इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन के लिए अगर मैं बात करूं, 5c4
आप ऐसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल फाइव, फैक्टोरियल फोर, फाइव माइनस फोर लिखेंगे। यहाँ देखिए आप लोगों को बोल रहे हैं ऐसा लिखाएगा। फिर अगेन आप देखो सेम ही चीज तो आ गया है, सेम ही हो गया ना, आगे पीछे मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, सीधे सीधे फाइव लिख दिया। सिक्स सी टू की बात किया जाए तो फैक्टोरियल सिक्स लिखेंगे, ऊपर में फैक्टोरियल टू आएगा, यहाँ पर सिक्स माइनस टू होगा। नाउ फैक्टोरियल सिक्स, फैक्टोरियल टू, फैक्टोरियल फोर। अब अगर सिक्स को हम ब्रेक करते हैं तो कहाँ पर स्टॉप करें ताकि हमारे पास फोर कैंसिल भी हो जाए। सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर, फैक्टोरियल फोर कर देते हैं, फोर फोर कैंसिल हो जाएगा। फैक्टोरियल टू को क्या लिख सकते हो, टू इंटू वन, हमने बोला डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप लिखते चले जाए, टू इंटू वन, जीरो में ऐसा नहीं करेंगे, जीरो जीरो फैक्टोरियल लिखना पड़ेगा। अब इसको कैंसिल करोगे तो आपको बस फिफ्टीन आएगा, देखो आप टू से थ्री के अंदर हो जाएगा, सिंपल सा है। नोट हो गया? यस सर। चलिए नेक्स्ट दे रहे हैं, गलत नहीं होना चाहिए। 8c 3, 8c 3 क्या होगा इसकी वैल्यू? देखिए सिंपल सा बात है, फैक्टोरियल एट लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद क्या होगा फैक्टोरियल थ्री लिखेंगे और फिर एट माइनस थ्री लिखेंगे। दैट मीन्स फैक्टोरियल एट, फैक्टोरियल थ्री, फैक्टोरियल फाइव। नाउ फैक्टोरियल एट को कैसे ब्रेक करोगे, एट सेवन सिक्स फाइव दिख रहा है तो फैक्टोरियल फाइव को स्टॉप कर दीजिए ताकि कैंसिल हो जाए नीचे वाला टर्म। और फैक्टोरियल थ्री को आप क्या लिख सकते हो, थ्री इंटू टू इंटू वन लिख सकते हैं क्या? और फैक्टोरियल फाइव को आप वही रहने दीजिए, आप ऐसे कैंसिल कर लिए। ये देखो सिक्स कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 56। सबका आ गया था 8c5, बताइए तो 8c5। सर हाँ बोलिए सर, ये जो लास्ट में लिखे सर 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, तो सर इसमें फ्रैक्शनल फैक्टोरियल नहीं लगेगा सर? फैक्टोरियल तो आया हुआ है, फैक्टोरियल 5 पे आया तो है ना सर, सिर्फ 5 में ही लिखेंगे बाकी सब में नहीं लिखेंगे। हमको नीचे में फैक्टोरियल 5 दिख रहा था तो इसलिए हमने स्टॉप करने के लिए वहीं तक रोक दिया, सिर्फ जहां पे स्टॉप करेंगे वहां पे फैक्टोरियल लगा देंगे, बस वहां फैक्टोरियल लगा देंगे। हमको 4 पर स्टॉप करना है तो अगला 4 भी कर सकते थे, ठीक है सर, जहाँ पे स्टॉप करेंगे वहाँ फैक्टोरियल, बिल्कुल। तो नेक्स्ट तो नीचे में फैक्टोरियल नहीं लगेगा, नीचे में जहाँ पे स्टॉप रहेगा वहाँ पे स्टॉप करने की जरूरत कहाँ पड़ी यहाँ पर हमें, नीचे में कहाँ फैक्टोरियल फाइव तो हमने रहने दिया, वैसा ही है, वैसा ही है। 8c5 क्या होगा, 56 ही आएगा, सब में एक ही आंसर आ रहा है क्या? फैक्टोरियल एट यहाँ पर क्या होगा, फैक्टोरियल फाइव, एट माइनस फाइव, ये हो गया फैक्टोरियल एट, फैक्टोरियल फाइव, फैक्टोरियल थ्री, दोनों एक ही चीज है, क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। नेक्स्ट में देखते हैं, अगर मैं बात करूं आपसे मेरे को ये बताओ ये क्या होगा, कौन बोल रहे हैं, वन सर, वन वन आएगा, वन आएगा, वन आएगा। यहाँ पर देखिए इसको वी कैन रिटर्न एज फैक्टोरियल एट, फैक्टोरियल जीरो, एट माइनस जीरो,
फैक्टोरियल एट, फैक्टोरियल जीरो, फैक्टोरियल एट, ये देखो एट से एट कैंसिल हो गया। अच्छा एक चीज यहाँ पर आप नोट करने वाली बात है, ये ध्यान, फैक्टोरियल जीरो के वैल्यू वन, आप ये रट कर रखेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा वन। फैक्टोरियल जीरो के वैल्यू क्या होगी, वन होती है। सर वो क्या लिखे हैं सर, जीरो के ऊपर में, लास्ट में वन के ऊपर, उसके बगल में, लास्ट में सर, लास्ट में नहीं लिखा, इधर लास्ट में ये ऊपर, उसके ऊपर नोट लिखा हुआ भाई, ए नोट नहीं सर, नोट करके लिखा हुआ है कि नोट इज फैक्टोरियल जीरो इज इक्वल टू वन, एट सी एट, इसको आप लिख सकते हैं ऐसा फैक्टोरियल एट, इसको आप लिख सकते हैं फैक्टोरियल एट, और एट माइनस एट ये क्या हो गया, फैक्टोरियल एट, फैक्टोरियल एट, फैक्टोरियल जीरो, फिर से वही हो गया, नहीं ठीक है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है, हो जाएगा आप, चलो ठीक है। एनसी जीरो बताओ, एनसी जीरो के वैल्यू कितनी होगी, वन, वन ही होगा। यहाँ पर आपके पास जीरो आ जाए, एन कुछ भी रहे, डजंट मैटर, एनसी एन की वैल्यू कितनी होगी, वन ही आएगा, ठीक है। अच्छा एनसी वन की वैल्यू बताओ कितना होगा, एन होगा, सॉल्व करके देख लीजिए, ठीक है, सॉल्व करके देख लीजिए, वही आने वाला है। एन आएगा ना, सॉल्व कर लो। तो देखो यहां से एक नोट करके एक रिलेशनशिप आ रहा है, एन सी जीरो इज इक्वल टू एन सी एन इज इक्वल टू वन, ये सब चीजों को नोट करके रखेंगे, इसे भी आप नोट कर लें। अब मेरे को ये बताओ एनसीआर ये क्या होगा, वेयर एन इज ग्रेटर देन आर, ये होना चाहिए एन इज ग्रेटर देन आर, या इक्वल भी हो सकता है, एनसीआर इसको ब्रेक करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, फैक्टोरियल एन आर एन माइनस आर होगा। सर तो यहीं तक रह जाएगा, हाँ सर इससे आगे भी होगा, इसके आगे भी चीजें हैं, इतना नोट कीजिए। सर एन बराबर है आर से, सर एन बराबर है आर से, एन सी टू निकालो तो कैसे करोगे आप, देखिए फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल टू एन माइनस टू, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, फैक्टोरियल एन है ना, इसको कैसे लिखते हैं, एन एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू घटेगा, अब इसको यहीं पर स्टॉप कर दीजिए, टू इंटू वन एन माइनस टू ऐसा होगा, ये क्या हो जाएगा पास, एन एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, बोले थे क्या बोल रहे, मुझे लगा शुरू में ही एन स्क्वायर बोल रहे, तो यहीं तक रह जाएगा इसको एन से। अच्छा एक चीज मैं बता दूं आपको, जैसे कि अगर हमने लिखा आपको 8C3 और 5, सॉरी 8C5, ये दोनों ही आपस में बराबर ही होंगे, आप करके देखो, अभी हमने देखा था ना इन दोनों का क्या वैल्यू आया था, बराबर है 56, 56, यस सर। तो ये इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है कि 8C3
अगर इसको आपने तीन घटा करके यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है, अगर आपने क्या किया एट में से थ्री घटा करके आप लिख दे रहे हैं, तो दोनों ही इक्वल वैल्यू आता है हमेशा। अच्छे बैठे हो, कैसे आवाज आएगा? मैं बोल रहा हूँ दोनों के वैल्यू इक्वल आई थी ना, ये वैल्यू इक्वल आई थी, तो इसका मतलब है कि एट से थ्री, तो ये एट में से थ्री घटा करके यहाँ पर लिखेंगे अगर आप, तो दोनों की वैल्यू सेम होने वाली है। अगर किसी ने बोला कि बताइए कि 732 और 765 दोनों इक्वल आएगा, यस सर, 732 एंड 765 दोनों सेम ही है लिखा हुआ, ये दोनों मिलकर के एक अगर हो जाता है, ये इसके बराबर हो जाता है, इक्वल हो जाता है, हम लोग बोलेंगे दोनों सेम ही वैल्यू आएगा हमेशा, सर एक दूसरे से रिलेट करता है। जैसे मैं बोला आपसे कि 7C2 ये किसके इक्वल होगा, इसी के फॉर्मेट में बताओ, 7C5 के इक्वल होगा, ठीक है। अब इनसे एक कंक्लूजन निकला क्या हमारे पास, ये कंक्लूजन ये हुआ कि अगर आपके पास दिया हुआ है NCX is equal to NCY, NCX is equal to NCY, यहाँ दो कंडीशन होंगी, पहला जो होगा X is equal to Y और दूसरा जो चीजें होंगी वो N is equal to X plus Y। अगर आपके पास ये दिया हुआ है if, यहाँ दो केसेस होंगी, या तो X जो होगा Y के डायरेक्ट इक्वल हो जाए, ठीक है, या आपने पास क्या हो जाएगा N is equal to X plus Y, यदि आपके पास N X equal to N से Y, अच्छा ऐसा दिया हुआ है आपके पास, तो X equal to क्या हो जाएगा Y के बराबर हो जाए तभी हो सकता है, या दूसरा कंडीशन होगा N is equal to, ये N जो है इन दोनों का सम, बहुत इंपॉर्टेंट। सर बैक कीजिए, तो सर सर बैक कीजिए, सर बैक सर लो, ओके सर, पीछे का हो गया सारा सर, ज्वाइन नहीं होता सर, प्लीज कुछ घुसा कॉपी में घुसा तुम लोगों का कुछ, बहुत हार्ड लग रहा होगा, नहीं यस सर, हार्ड बहुत है सर,